Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, लेके आ गया हूँ एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड. सो गाइज बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आखिरी तक. गाइज बहुत बड़ी एक न्यूज निकल के यहाँ पे सामने आ रही है टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं लॉकडाउन का मार पड़ा है तो वो टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटलिटी में पड़ा है. क्योंकि गाइज यहाँ पे देखो, टूरिज्म कहीं टूरिस्ट जा नहीं रहे, उनकी सारी टूरिस्ट बसें गाड़ियां ठप पड़ी हुई हैं, होटल सारे बंद पड़े हुए, उनके पास पैसा है नहीं, लोन पे लोन चढ़ा हुआ है गाड़ी का, और होटल भी अगर वो लोन पे बनाए होंगे तो समझ जाओ उनके पास कितना ज्यादा लोन होगा, वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं. तो गाइज कहीं ये सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन का कहीं मार पड़ा हुआ है तो वो टूरिज्म सेक्टर में पड़ा हुआ है. तो इसी के लिए अभी गाइज जो टूरिज्म सेक्टर है और जो हॉस्पिटलिटी है, इन सभी लोगों ने एक लेटर लिखा है और मांगा है लोन रीस्ट्रक्चरिंग और साथ में उसी के अंदर मोरेटोरियम, लोन मोरेटोरियम. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहां पे अभी वैक्सीन की भी प्रॉब्लम चल रही है और गाइज अभी पूरे जगह पे लॉकडाउन है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब तक ज्यादातर लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाता है तब तक पूरी तरह से लॉकडाउन खुलेगा. मतलब थोड़ा बहुत तो खुलेगा, लेकिन पूरी तरह से लोग ऐसे घूम नहीं पाएंगे कि ऐसे तुरंत लगे टूरिस्टों का एकदम बिजनेस चलने लगा, लोग मतलब घूमने निकल पड़े. ऐसा कहीं अगल बगल यार कहीं 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोग घूम लेंगे, लेकिन जब तक पूरे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे तब तक नॉर्मल जैसे हम लोग पहले लाइफ जीते थे वैसे इतना जल्दी नहीं होने वाला है. तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो इतना जल्दी खुलने वाला नहीं है, इतना जल्दी सही नहीं होने वाला है. पहली की तरह अगर उसको पटरी पे आना है तो उसको अभी कम से कम लगभग 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 1 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, 1 साल से थोड़ा सा कम या 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है टूरिज्म सेक्टर को पहले जैसा रन करने में, पहले जैसा पैसा कमाने में. ठीक है दोस्तों, क्योंकि बीच में लॉकडाउन खुल गया था फिर भी शिमला मनाली जैसे जगहों पे कुछ भीड़ नहीं लगता था, बहुत कम लगता था. तो गाइज यहाँ पे क्या है, टूरिज्म सेक्टर और जो हॉस्पिटलिटी है उन्होंने एक लेटर लिख दिया है और मांग कर दिया है लोन मोरेटोरियम का और लोन रीस्ट्रक्चरिंग का. मतलब लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मांग किया है, उसमें उन लोगों को लोन मोरेटोरियम भी चाहिए. तो गाइज ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि गाइज देखो, जैसे कि लॉकडाउन का मार सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही अगर कहीं पर मार पड़ता है तो सबसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता है. क्योंकि जब लोग ही नहीं आएंगे जाएंगे तो यार उनका इनकम क्या होगा. हम लोग का तो चलो फिर भी गाड़ी है, घर है, ये चीज़ है, लेकिन उनका तो पूरा बिजनेस है, पूरा बिजनेस ही बंद हो गया तो वो कहाँ से पैसा देंगे. तो गाइज एक बहुत बड़ी ये पॉजिटिव खबर निकल के आई थी, तो मैं सोचा इतनी पॉजिटिव खबर है तो आपको ज़रूर देना चाहिए कि भैया अगर लोन मोरेटोरियम के लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेगा लोन मोरेटोरियम. और गाइज मैं आपको आखिरी में ये बता दूँ, यही न्यूज़ था टूरिज्म सेक्टर और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर था, ये इंडस्ट्री मांग करी है लोन मोरेटोरियम के लिए. और साथ ही मैं आप लोग से ये भी बताना था कि जब तक हम लोग मांग नहीं करेंगे लोन मोरेटोरियम यहाँ पे फाइनल तरीके से मिलने वाला नहीं है. क्योंकि दोस्तों फिर वही रीस्ट्रक्चरिंग मिलेगा, ठीक है, लोन रिकास्ट मिलेगा, लोन रिकास्ट 2.0, लेकिन फुल्ली लोन मोरेटोरियम जैसा कि गाइज मैं आपको बता दूँ, कल या परसों जो भी RBI का मीटिंग हुआ था प्राइवेट बैंकों के साथ, उनके CEO ने भी बोला था भैया कि आपको कम से कम 3 महीने का तो लोन मोरेटोरियम सर देना ही चाहिए. RBI से बोला गया था कि सर आपको कम से कम 3 महीने का लोन मोरेटोरियम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि बैंकों को भी प्रॉब्लम है भाई, उनका लोन अगर NPA होता है तो उनको भी प्रॉब्लम है अपना पैसा निकालने में. ऐसा नहीं है कि बैंक वाले नहीं चाह रहे हैं आपको लोन, मतलब कि आपको लोन मोरेटोरियम ना मिले, आपका लोन NPA हो जाए. बैंक वालों ने भी मांग किया था, और गाइस ये पहली बार जिंदगी में हुआ था कि प्राइवेट बैंकों वाले ने भी RBI से बोला था कि आपको 3 महीने का कम से कम लोन मोरेटोरियम दे देना चाहिए. अब सोचो आप कितनी बड़ी बात है, बैंक वाले खुद बोल रहे हैं लोन मोरेटोरियम देने के लिए. और आज क्या न्यूज आया कि ये जो भी टूरिज्म सेक्टर है उन्होंने भी लेटर लिख दिया लोन मोरेटोरियम के लिए. सो गाइस हम सभी अगर साथ रहेंगे तो डेफिनेटली लोन मोरेटोरियम मिल जाएगा. देखो जब बैंक वाले हम सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप पता नहीं उसमें उनका फायदा है कि हमारा फायदा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको जहां तक फायदा लग रहा है दोनों का लग रहा है. भैया बैंक वाले का फायदा हो या ना हो, अपन का तो फायदा हो रहा है ना, तो बस बात खत्म. तो गाइज यही था आज के इस न्यूज में. लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ग्रो एप्लीकेशन. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो 100 रुपये इंस्टेंट आपको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है. अगर आप उसमें KYC कर लेते हो पूरा अपना कंप्लीट, आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के ई साइन वगैरह करके जैसे ही अपना पूरा फुल KYC कंप्लीट करते हो आपको भी मिलता है 100 रुपये, मुझे भी मिलता है 100 रुपये. ठीक है, ऐसे ही आप जितने लोगों को रेफर करते जाओगे 100 रुपये उनको भी मिलेगा, 100 रुपये आपको भी मिलेगा. ऐसे करके आप डेली का 1000-2000 रुपये कमा लोगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 रुपये आपका लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. जाइए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, 100 रुपये आपको भी मिलेगा, 100 रुपये मुझे भी मिलेगा. ये एक शेयर मार्केट की एप्लीकेशन है, आप चाहो तो इसमें गोल्ड में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको आता नहीं है, अभी आप सीख के करिएगा. अभी आपको सिर्फ इसका जो रेफरल एंड अर्न प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत आपको रेफर करके पैसा कमाना है. इससे आप अच्छा खासा रोज का 1000-2000 पैसा कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये एक ब्रोकर है, मतलब कि आपको आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाता है तो ये एक ब्रोकर है. अपना ब्रोकरेज चार्ज कुछ परसेंट लेता है अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो, लेकिन अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो ये
आपसे एक भी रुपए नहीं लेता है, सिर्फ आप इसके रेफरल एंड अर्न प्रोग्राम से डेली के 1000-2000 रुपए कमा सकते हो, दोस्तों को रेफर कर करके, एक रुपया लगता नहीं है, ठीक है। सो गाइज यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोग हमारा वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक ले लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।